नमस्कार दोस्तों, गुरु टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आई मैक डेस्कटॉप M1 चिप वाला कैसे रिसेट करना है, कैसे डेटा डिलीट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, उसमें से आपका अकाउंट कैसे रिमूव करना है। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको प्रॉपर समझ में आएगा सो कैसे करना है इसको। बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आप इजीली कर पाओगे। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कैसे आपको रिसेट करना है। तो सिंपल प्रोसेस है, ये जो स्क्रीन पे इतने मॉडल हैं, ये मॉडल पे सेम प्रोसेस होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, इस वीडियो में। सो इसका, इन सारे मॉडलों का सेम प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें जो हमारे सिस्टम का बैकअप लेना होगा फर्स्ट, उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो हमें बैकअप लेने के लिए सीधा आपके अकाउंट, आपने लॉगिन करके रखा होगा वो अकाउंट को, वहाँ से बैकअप ले लेना है अकाउंट पे। देन सीधा सिंपली आपको जो मैं आप प्रोसेस दिखा रहा हूँ सेम प्रोसेस को करना है, इसलिए आप कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा मैक OS बिग सोर है। ठीक है, सो यहाँ से अभी आप सिंपली देखते जाओ, मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाई स्टेप दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो अभी करना क्या होगा, हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके यहाँ से हमारी जो ID लॉगिन है उसको हम साइन आउट करेंगे, बिकॉज ऑफ जो डेटा है वो हमारे अकाउंट पे ऑलरेडी है, सो हम उसको लॉग आउट करेंगे। अदरवाइज़ अगर जो हम अकाउंट लॉग आउट नहीं करते हैं तो आप रिसेट भी नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एप्पल ID जो हमारी लॉगिन होगी उसको साइन आउट करना होगा, वो हम साइन आउट कर देंगे। ठीक है, साइन आउट करने के बाद जितने भी हमारे अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हैं, ठीक है, हम उनको साइन आउट करेंगे। ठीक है, साइन आउट करने के बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो प्रॉपर देखना है जिससे कि आप इजीली कर पाओ। ठीक है, अभी मैंने मेरे अकाउंट साइन आउट कर दिया और मशीन को शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने के बाद आपको करना क्या है, जो पावर बटन है कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। होल्ड करके तब तक रखना है जब तक कि लोगो आ नहीं जाता है। जैसे एप्पल का लोगो आ जाएगा स्क्रीन पे, आपको विजिबल हो जाएगा, आपको पावर बटन रिलीज़ कर देना है। देन वहाँ पर आपको सिंपली ऐसे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो दो ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ करना है। सिंपली हम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देन कुछ सेकेंड का टाइम लेगा ये। उसके बाद तो वेट करने के बाद यहाँ सिंपली मैक OS रिकवरी आ जाएगा और यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यूटिलिटी को सेलेक्ट करना है, देन अभी करना क्या होगा कि हमें डेटा पूरा इरेज करना है। सो हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सीधा इरेज पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी इरेज करने के लिए वो दो ऑप्शन पूछता है, तो वहाँ पर एज इट इज़ भी रख सकते हो, अदरवाइज फ़र्स्ट ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन को चूज़ करके अभी मैं फ़र्स्ट पे ही करके उसको इरेज ऑल डेटा पे क्लिक कर दूंगा। सो एक बार वार्निंग देगा वो, फिर भी मैं इसको यस करूंगा और देखूंगा, दीजिए अब तुम डेटा इसको डिलीट कर दो, पूरा डेटा हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद सीधा मैक OS पे जाएंगे हम और वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी इस प्रोसेस के लिए आपको सीधा एक्टिवेशन के लिए पूछेगा मैक एक्टिव, तो अभी करना क्या होगा, वाईफाई को कनेक्ट करना होगा। इसको वाईफाई को कनेक्ट करेंगे तभी ये एक्टिव होगा, एक्टिव मैक। सो अभी एक्टिव मैक हो चुका है, जैसे हमने वाईफाई को कनेक्ट किया, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, देन नेक्स्ट कर देंगे मैक OS रिकवरी। अभी यहाँ पे हम सीधा सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद हार्ड डिस्क पे क्लिक करना होता है, क्लिक करने के बाद देन नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, ये करने के बाद आप सिंपली ये स्टार्ट हो जाएगा और आप, ये डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड के ऊपर कि कितने टाइम में ये होगा। अगर नेट की स्पीड अच्छी है तो वो फटाफट हो जाएगा विद इन आधे घंटे में, अदरवाइज़ ये एक घंटा भी ले लेता है कभी कभी, या एक से डेढ़ दो घंटे भी ले लेते हैं। अगर नेट आपका स्लो है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ इस दौरान आपका नेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, नेट डिस्कनेक्ट होगा तो एरर आ जाएगा और ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। सो यही प्रोसेस था, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।